सियालकोट वाके में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, मजीद 6 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया, ये बताना है तर्जुमान पंजाब पुलिस का। वजीर आला उस्मान बुजदार के मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की हिदायत। सियालकोट वाके में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पंजाब पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए और इस दौरान मजीद 6 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस का ये बताना है कि मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की जानिब से मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की हिदायत भी की गई है। तो सियालकोट वाके में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारते हुए मजीद 6 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात जानेंगे उमर जावेद से। उमर बताइएगा। स्थानीय सियालकोट सेक्टर मुलाजिम के तहत श्रीलंकन शहरी की जो हलाकत हुई थी उसके अंदर IG पंजाब के हुक्म के ऊपर मुतद्दिद छापे मारे गए और मजीद 6 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। ये मरकजी मुलजिमान इस तरह से हैं कि वीडियो के अंदर ये लाश के ऊपर तशद्दुद करते दिखाई दे रहे हैं या फिर की कार्रवाई करते दिखाई दिए गए हैं। तमाम मुलजिमान को साइंटिफिक अंदाज से तफ्तीश में ना सिर्फ उनके सवाही जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं बल्कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेज हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ IG पंजाब का कहना है कि CCTV फुटेजेज और मोबाइल कॉल का डाटा जो है वो गुज़िश्ता 12 घंटे में पुलिस ने मजीद हासिल किया है और जियो फेंसिंग और दीगर साइंटिफिक तरीकों से इन 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापे मारे जा रहे हैं जबकि अब तक जी। बहुत शुक्रिया आपका उमर जावेद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।